गत वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में अध्ययन किया। ये नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती दर से प्राप्त होती है और अंत में वो जाकर के ऋणात्मक हो जाती है। इसी क्रम में आगे हम ये देखते हैं कि इस नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं या इसकी कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहले अन्य बातों के समान रहने पर ही सीमांत उपयोगिता हास नियम की प्रवृत्ति लागू होती है। तो ये जो अन्य बातें हैं ये इसकी जो सीमाएं हैं या इस नियम की जो मान्यताएं हैं उन अन्य बातों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। एक सामान्य इकाई के रूप में हम अगर उन वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो ही ये नियम लागू होता है। यदि रोटी का आकार हम बिल्कुल छोटा कर देंगे और उसके बाद उसको सुधा तृप्ति के लिए अगर हम ग्रहण करेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त नहीं होगी। अतः आवश्यक है कि सामान्य रूप से एक रोटी की जो आपूर्ति है वो होनी चाहिए। ऐसे ही यदि अगर हम पानी पी रहे हैं तो ग्लास का पानी जो उसके एक प्रमापित इकाई है वो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉपर से एक एक बूंद मुंह में टपकाते रहें। तो सबसे पहली जो मान्यता है, आवश्यकता है, जो इसकी सीमा वो ये है कि यहाँ इकाई जो है वो गुण में और मात्रा में समान होनी चाहिए। नंबर दो, वस्तु की इकाई उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये महत्वपूर्ण सामने आती है कि उसकी जो वस्तु की जो इकाई है उसकी यूनिट है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसकी जो क्वांटिटी है इसका तात्पर्य यह है कि उपभोग को वस्तु की इकाइयां न तो बहुत छोटी होनी चाहिए और न ही बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो एक उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया। दूसरा है उपभोग का क्रम निरंतर रहना चाहिए। सामान्य रूप से निरंतर उपभोग रहेगा तभी सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होता है। यदि अगर हम पानी का एक गिलास अभी पीते हैं, तीव्र प्यास लगी है, उसके बावजूद एक आधा घंटे बाद पीते हैं, फिर आधा घंटे बाद पीते हैं, तो इस प्रकार से उपभोग की गई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती क्रम में प्राप्त नहीं होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपभोग जो है निरंतर बना रहना चाहिए। चौथी बात जो है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार से उपभोक्ता जब वस्तुओं को उपभोग कर रहा है तो उसकी मन स्थिति, उसकी मानसिकता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि विदित है, कई बार इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं जिससे उपभोक्ता की मन स्थिति, वस्तु स्थिति अच्छी खबर आने पर, बुरी खबर आने पर परिवर्तित हो जाती है। यदि उपभोक्ता की मन स्थिति परिवर्तित होती है तो निश्चित मानिए मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होता है, कम बड़ी वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की आयु, स्वभाव तथा रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी उपभोक्ता है उस उपभोक्ता का स्वभाव, आयु, रुचि इत्यादि एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भी ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है, उपभोक्ता वस्तु तथा उसकी स्थानापन वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई उपभोग की जो वस्तु है उसकी स्थानापन वस्तु जो बाजार में उपलब्ध है तो बाजार में उपलब्ध स्थानापन जो वस्तु है उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उस वस्तु के मूल्य में उसका परिवर्तन होता है तो मनुष्य कम कीमत होने पर उस उपभोग
वस्तु को त्याग कर दूसरी वस्तु पर स्विच ओवर कर जाएगा और इसके कारण जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है उसका आकलन और उसकी कमी के बारे में जब वो दूसरे ही वस्तु की तरफ चला जाएगा तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की गणना संभव नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार है केवल सुखमय आर्थिक स्थिति में लागू होना। ये सुखमय आर्थिक स्थिति का तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता को उपभोग जन्य वस्तु जो इसका उपभोग करना चाहता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वो सहज रूप से उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। यदि आपातकालीन आर्थिक या विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं तो वहाँ उस वस्तु का मिलना संभव नहीं है, उस पर कंट्रोल हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है, सीमित मात्रा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति एक समान होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है तो उसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। राजस्थान का व्यक्ति अगर ऊपर पठार में कहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहा है तो यहाँ गर्मी की वजह से उसको सूती वस्त्रों से मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, ठीक होती है, ऊनी वस्त्रों से मिलने वाली उपयोगिता नए के समान होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में वृद्धि या कमी हो सकती है। अतः यह नियम तभी लागू होता है जब उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। और लास्ट है आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक न होकर एक ही आवश्यकता हो। देखिए अगर किसी वस्तु की आवश्यकता सामूहिक हो तो ऐसी परिस्थिति में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की गणना में या कमी वृद्धि होने में बहुत अंतर आ सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जब कोई आवश्यकता अकेली आवश्यकता न होकर अनेक आवश्यकताओं का समूह हो तो शान शौकत दिखावा शक्ति आदि कोई एक आवश्यकता न होकर आवश्यकताओं के एक समूह को प्रकट करती है, इन पर यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। इस प्रकार अगर स्नानापन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोग्य वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत सस्ता होने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। जैसे चाय के स्थान पर वस्तु कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाता है तो चाय अपेक्षाकृत सस्ती होने लगेगी और ये जो हमारा जो नियम है ये लागू नहीं होगा। अतः ये नियम की चाहे हमें सीमाएं कहें या इस नियम की ये आवश्यकताएं कहें, नियम की मान्यताएं कहें या अन्य बातें समान रहने पर से जो तात्पर्य है वो इन बिंदुओं से है। यदि ये बिंदुएँ हैं तो ही ये नियम लागू हो पाएगा। धन्यवाद।